के मिश्रा प्रवक्ता राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज लखनऊ में कार्यरत हूँ। आज आयुष संवाद में मुझे बोलने का मौका मिला है। मेरा टॉपिक है शरद ऋतुचर्या में आहार विहार। सर्वप्रथम मैं परिचर्या शुरू करने से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय आयुष मंत्री जी, माननीय सचिव महोदय आयुष, माननीय राजकमल यादव जी मिशन निदेशक, निदेशक आयुर्वेद सेवा प्रोफेसर एस एन सिंह जी, प्रोफेसर सुरेश चंद जी, पाठ्यक्रम मूल्यांकन तथा प्राचार्य प्रोफेसर पी सी सक्सेना जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया बोलने के लिए। आयुर्वेद में ऋतुओं का बड़ा महत्व है। जो कुछ सारी चीज़ें बताई गई हैं आयुर्वेद में, सर्वप्रथम आयुर्वेद का जो सूत्र है वो उसमें बताया गया है स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षण आतुर से विकार प्रश्न। तो सर्वप्रथम आयुर्वेद में ये बात बताई गई कि सबसे पहले आपको स्वस्थ रहना है। स्वस्थ रहने के बाद अगर आपको रोग हो गया तो उसकी चिकित्सा करनी है। तो सारी जो मेरी चर्चा होगी स्वस्थ कैसे रहा जाए इस पे मैं चर्चा करूंगा आपसे। तो आजकल शरद ऋतु चल भी रही है, इस वजह से मैं ये टॉपिक चुनने का मेरा यही कारण रहा। अब शरद ऋतु विभाग के बारे में जो हम चर्चा करेंगे, सर्वप्रथम जो है 12 जो अंग्रेजी महीने हैं ऐसे ही हिंदी में भी 12 महीने बताए गए हैं। आयुर्वेद में इनका जो है क्लासिफिकेशन जो किया गया है उत्तरायण और दक्षिणायण के संदर्भ में किया गया है। सूर्य की दिशा के अनुसार सूर्य जब उत्तर की तरफ गमन करता है तो उसको बोलते हैं उत्तरायण। शुरू के जो तीन ऋतुएं बताई गई हैं शिशिर, वसंत और ग्रीष्म, ये तीनों ऋतुएं उत्तरायण में आती हैं। तथा तत्पश्चात जो तीन ऋतु बताई गई हैं वर्षा, शरद और हेमंत, ये जो तीन ऋतुएं हैं ये दक्षिणायन के अंतर्गत बताई गई हैं। इसके बारे में बताया गया उत्तरायण और दक्षिणायन में अंतर ये है कि उत्तरायण के संदर्भ में बताया गया इसमें सूर्य का तेज बहुत तेज रहता है। जब सूर्य का तेज बहुत तेज रहता है तो ये शरीर के अंदर उपस्थित जो है जो ऊर्जा होती है या जो बल होता है इनका ये शोषण करने लगते हैं, या शोषण का अर्थ ये हुआ कि इनके शरीर में कमी होने लगती है। जबकि जो दक्षिणायन की जो चर्चा की गई है उसके अंतर्गत ये बताया गया है कि इसमें क्योंकि जो है इसमें चंद्रमा बलि होता है, सूर्य क्षीण होता है, यानी सूर्य का बल कम होता है, चंद्रमा का बल ज्यादा होता है। इस दरमियान जो है केवल शरीर में बल की वृद्धि होती है तथा शरीर में बल की वृद्धि होती है। ठीक है, अब हम अपने टॉपिक पे आएंगे जिसका शीर्षक है जो है शरद ऋतु। शरद ऋतु की चर्चा हम करने से पहले होता क्या है कि शरद ऋतु का प्रादुर्भाव जो है वर्षा के बाद होता है। शरद ऋतु जो है वर्षा के बाद होता है। वर्षा ऋतु से पहले की ऋतु रहती है ग्रीष्म ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। उस तत्पश्चात वर्षा ऋतु के प्रारंभ में, वर्षा ऋतु में क्या होता है कि गर्मी के ऊपर सीधे तेज बारिश होने से जो है बहुत तेज बारिश होने से पित्त जो है की वृद्धि हो जाती है। पित्त दोष यानी जो हमारे शरीर में जो पाचन के लिए डाइजेशन के लिए रिस्पांसिबल पित्त कहा गया है उसकी वर्षा ऋतु में वृद्धि हो जाती है। और वर्षा ऋतु के बाद ही जो है शरद ऋतु का प्रादुर्भाव होता है। शरद ऋतु में क्या होता है पित्त का वृद्धि के साथ प्रकोप भी हो जाता है। प्रकोप का मतलब ये होता है कि हमारे पूरे शरीर में पित्त का जो है फैलाव हो जाता है, चारों तरफ डिस्पर्स हो जाते हैं, पित्त शरीर में फैल जाता है। अब इसका ड्रॉबैक क्या होता है, पित्त हमारे शरीर में जब चारों तरफ फैल जाता है इसका ड्रॉबैक होता है क्योंकि इसका काम मेन काम है पाचन करना। इसका इस वजह से जो है सबसे ज्यादा जो इफेक्ट पड़ता है वो हमारे जो है पाचन तंत्र पे पड़ता है। पाचन तंत्र पे क्या होता है, हमारी जो अग्नि का अर्थ यूं समझिए आप जो है जो हमारी पाचन शक्ति है, जो हमारी पाचन शक्ति है वह कमजोर हो जाती है। पाचन शक्ति कमजोर हो जाने से जो भी हम आहार लेते हैं उसका सम्यक रूप से पाचन नहीं हो पाता है। तब इसके लिए आचार्यों ने सभी हमारे जो आयुर्वेद की बहुत सारी जो संहिताएं हैं सभी में जो है इसका वर्णन किया गया है कि हमको इस समय क्या आहार लेना चाहिए और क्या क्या इसके अलावा विहार के रूप में और हमको क्या करना चाहिए। आहार के संदर्भ में बताया गया है कि सबसे पहले जो है अगर आपकी अग्नि शरद ऋतु में मंद हो गई, मंद होने पर सर्वप्रथम इस बात का ध्यान रखना होता कि जो भी हम आहार लें वो सम्यक मात्रा में, यानी सम्यक मात्रा का अर्थ ये हुआ कि अधिक मात्रा में न लें।
सम्यक मात्रा में ले, और जो आहार बताए गए उसमें सबसे पहले बताया गया मधुर आहार का सेवन करो। मधुर आहार में जैसे मिश्री हुआ, आजकल आजकल मिठाई हुआ, ठीक, जितने फल हैं ये भी मधुर के अंतर्गत आते हैं, इनका हम सेवन करेंगे। इसके अलावा बताया गया लघु, लघु में बताया गया ये सारे फल लघु के अंतर्गत आते हैं। फिर इसके बताया गया तिक्त द्रव्य, इसके जो है पित्त की शांति के लिए बताया गया है तिक्त द्रव्यों का सेवन करें। तो तिक्त द्रव्य में बताया गया करेला बताया गया है, गिलोय बताया गया है, बैगन बताया गया है, अगर बताया गया है, तगर बताया गया है, इन द्रव्यों का सेवन जो है करना चाहिए, जिससे कि जो है पित्त का नाश हो, यानी जो प्रकोप या बढ़ा हुआ जो पित्त है उसका नाश हो। फिर इसके बाद जो है साथ में ये भी बताया गया है जो है कि क्या करना चाहिए, तिक्त घृत का सेवन करना चाहिए, जो औषधि की चर्चा जैसे आयुर्वेद में भी बताया गया है कि सामान्य रूप से रहते हुए भी इसमें चिकित्सा की जाती है। तो चिकित्सा में बताया गया जो पित्त की जब वृद्धि होती है तो आयुर्वेद में बताया गया है पित्त को शांत करने के लिए जो चिकित्सा बताई गई है उसमें बताया गया है विरेचन बताया गया है, शांत करने के लिए विरेचन का वर्णन किया गया है। विरेचन का अर्थ क्या है, मल द्वार से जो है मल का निर्हरण कराना। सामान्य रूप से तो रोज हम मल का निर्हरण करते हैं, लेकिन विरेचन में औषधियों के द्वारा या कोई आहार द्रव्य है जिसके द्वारा जो है मल का जो है ज्यादा विसर्जन कराना, या जो बद्ध मल है या रुका हुआ जो मल है उसको निःसरित करना या बाहर निकालना। इसके लिए जैसे इसके लिए जो है मदन फल का प्रयोग करते हैं। अच्छा, मदन फल भी ठीक तरह से होता है, ये पित्त को भी शांत करता है और विरेचन भी कराता है। इसके अतिरिक्त जो है कुछ लोगों को दूध से भी विरेचन कराया जाता है, तो विरेचन जरूर कराते हैं। इसके साथ जो है कुछ जो है घृत बताया गया है, महातिक घृत का भी जो है उपयोग किया जा सकता है। अब हम चर्चा करेंगे कि क्या हमको नहीं करना चाहिए। इसके बाद हम चर्चा करेंगे क्या हमको नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले जो है, अच्छा, जो ये तो शाकाहारी की बात हुई, आहार में हम बता दें मांसाहारी में जो बताया गया है कि क्या खाना चाहिए, तो कुछ पक्षियों का वर्णन किया गया है। जैसे बताया गया है गौरैया पक्षी हुआ, बटेर हुआ, ठीक है, हिरण की बात बताई गई है, हिरण का मांस खा लेना, भेड़ की बात बताई गई है कि भेड़ का मांस खाना चाहिए। ये सारे जो है आहार के अंतर्गत आते हैं, जो मांसाहारी उनके लिए हमने चर्चा की। अब मैं चर्चा करूंगा क्या नहीं खाना चाहिए। तो शरद ऋतु में जो जो चीज नहीं खाना चाहिए उसमें बताया गया सर्वप्रथम मांसाहारियों के लिए आनूप मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। अब आनूप मांस किसको कहते हैं, जो जल से जल के द्वारा उत्पन्न हो या जल से जिनकी उत्पत्ति हो। तो सर्वप्रथम इसमें जो चर्चा आती है मछली का, अर्थात आनूप देश से उत्पन्न जो मछली है या आनूप से उत्पन्न जो मछली है उसका सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो है क्या नहीं खाना चाहिए, छार नहीं खाना चाहिए, दही नहीं खाना चाहिए। करना क्या नहीं चाहिए, दिन में धूप का सेवन नहीं करना चाहिए, दिन में सोना नहीं चाहिए, रात में जगना बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। इसके अलावा मैं आपको बिहार की बात बताऊंगा और इसके साथ ये भी बताऊंगा कि बिहार में हमको क्या करना चाहिए। इसमें बताया जैसे दिन में धूप नहीं लेना चाहिए और सोना नहीं चाहिए, और रात में नहीं जो करने की बात है, रात में चंद्रमा की किरणों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। अब करना क्या चाहिए कुछ मैं और विशेष बात बताऊंगा, क्योंकि ये कार्तिक मास चल रहा है और कार्तिक मास जो है शरद ऋतु में ही आता है। इन्होंने बताया गया है कि प्रदोष काल में चंद्र किरणों का सेवन करना चाहिए। अब प्रदोष काल किसको कहते हैं, इसके लिए हमारे आयुर्वेद में बताया गया प्रदोषम रजनी मुखम। रजनी का मतलब रात्रि का मुख जो है, अर्थात रात्रि की जो शुरुआत होती है, अर्थात जो शाम का टाइम जब चंद्रमा का उदय होता है, इस समय जो है जो चंद्रमा की किरणें हैं ये हमको सेवन करना चाहिए। अब साइंटिफिक उसमें देखें जो या मैथोलॉजिकल उसमें देखें, तो जैसे कार्तिक मास में बताया गया है कि जो है तुलसी को शाम के वक्त दिया जलाना चाहिए। अब दिया जलाने का तात्पर्य यही है, अगर हम सोचें आयुर्वेद के अनुसार दिया जलाने का सिर्फ यही तात्पर्य है कि आप प्रदोष काल में चंद्र की किरणों का सेवन करें। आज जो है लोगों के घर बन गए, जबकि ये चर्चा है ये पुराने, उस समय जो भी सबके तुलसी जी के जो वृक्ष घर में लगाए रहते हैं या बाहर लगाए रहते थे, लोग सबके बाहर लगे होते थे, तो बाहर जब आप निकलेंगे तुलसी जी को जो है दिया जलाने के लिए, उस समय जो है चंद्र की किरणों के आप सेवन अपने आप ही करेंगे। आज भी जो है घरों में आदमी
जो है जहाँ भी तुलसी जी, अधिकतर लोग बाहर ही लगाए रहते हैं, तो जो कार्तिक मास में तुलसी जी को दिया जलाने की जो चर्चा की गई है, इससे जो है सबसे लाभ ये है कि आपको जो है शरद ऋतु में अश्विन मास में जो है आपको जो है सूर्य की किरणों का जो है सेवन हो जाएगा। इसके अलावा एक और चर्चा की गई है जो है कि आज जो शरद ऋतु का जो जल होता है उसके लिए टर्म बताया गया है हंसोदक। हंसोदक अब ये जो है सामान्य जन भाषा में जो है ये टर्म जो है समझने के लिए मैं और जो है इस पे दूसरी चर्चा कर रहा हूँ। हंस का मतलब होता है सब आप लोग सभी लोग जानते हैं, हंस मतलब हंस, उदक का मतलब जल, ऐसा जल जो हंस को प्रिय हो। हमारे आचार्यों ने भी जो है इसकी चर्चा की है और इसकी जो अर्थ बताया है उसमें बताया है ऐसा जल जो हंस को प्रिय हो। हंस को हमेशा स्वच्छ जल, पवित्र जल और जो है दोष रहित जल ही पीता है हंस। तो जो शरद ऋतु में जो जल उत्पन्न होता है या जो जल रहता है वह हंसोदक के नाम से जाता है। अब हंसोदक के नाम से क्यों इसको जाना जाता है, इसकी विशेषता जो बताई गई है कि दिन में शरद ऋतु में गर्मी तेज रहती है और गर्मी यानी सूर्य की उष्मा ज्यादा रहती है यानी गर्मी तेज रहती है और रात के समय चंद्र भी तेज रहता है अर्थात शीतलता ज्यादा रहती है। तो दिन में सूर्य की गर्मी से और रात में चंद्रमा की शीतलता से दोनों का मिश्रण होके जो नदी में, तालाब में, कुएं में जो जल है वह दोनों को पूर्ण रूप से ग्रहण करता है, उसके जो गुण है उसके अंदर समाहित होते हैं। इसके अलावा और बताया गया अगस्त नामक तारा के उदय के कारण जो है जो इस समय जो अगस्त तारा का उदय होता है इस समय भी जो जल उत्पन्न होता है इसी को हंसोदक कहते हैं। अब इस हंसोदक का पान करने से, हंसोदक को पीने के लिए बताया गया है यानी इसका पान करिए, इससे स्नान करिए। इसके अलावा पान के और स्नान के अलावा एक टर्म बताया गया अवगाहन, अगर किसी चीज में अवगाहन की बात की गई। अब अवगाहन क्या होता है, अवगाहन का अर्थ होता है कि ये जो जल है इसको अपने शरीर पे लेके हल्की हल्की मालिश करें या मालिश न करने के अलावा जैसे फूल में पानी देने के लिए जो है जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा पानी भर के अपने शरीर पे जो है डालें, ये अवगाह कहा जाता है। तो हंसोदक का बहुत महत्व है जो है, क्यों, क्योंकि इसमें सूर्य के भी गुण रहते हैं, सूर्य के भी गुणों का आदान आधान रहता है, तत्पश्चात चंद्रमा की शीतलता का भी आधान रहता है। इस जल को, इस समय उत्पन्न जल को बहुत स्वच्छ माना गया है, पवित्र माना गया है, शुद्ध माना गया और दोष रहित माना गया है। इस जल के सेवन करने से किसी भी प्रकार के रोग की उत्पत्ति नहीं होती है। इसके अतिरिक्त और जो बताया गया है कि स्वच्छ वस्त्र पहने, पवित्र वस्त्र पहने, श्वेत वस्त्र पहने और रात में पूरा सेवन करें, निद्रा का सेवन करें, दिन में किसी भी प्रकार का निद्रा का न सेवन करें ना ही धूप का सेवन करें। और आहार में जो बताया गया है तिक्त का तिक्त 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 रस युक्त द्रव्य हमने बता दिया आपको, करेला है, बैगन है, गिलोय है, पटोल है, इनका सेवन करें। मधुर में हमने बताया जो है मधुर जितने भी द्रव्य है, मिश्री है, शर्करा है, इनका सेवन करें। इसके अलावा बिहार में जो है व्यायाम की चर्चा नहीं की है, आचार्यों ने व्यायाम की चर्चा इस ऋतु में नहीं की है। तो मैं अपनी तरफ से अगर जो व्यायाम की बात करूं तो केवल मध्यम व्यायाम आप कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि बल इस समय बल का आदान सिर्फ होता है, आदान का मतलब बल की शुरुआत होती है। क्यों, क्योंकि उत्तरायण में जो है बल आपका क्षीण हो जाता है अर्थात जो 3 महीने शुरू के ऋतु में है अर्थात शिशिर, वसंत और ग्रीष्म, इसमें जो है बल का क्षीणता धीरे धीरे कम हो जाती है यानी बल की कमी हो जाती है। तत्पश्चात जो बाकी ऋतु में वर्षा, शरद और हेमंत, इन तीनों में बल की वृद्धि होती है। तो शरद बीच की ऋतु है, इसमें बल मध्यम होता है, इसमें व्यायाम की भी जो चर्चा की गई है मध्यम व्यायाम का सेवन करना चाहिए, ऐसा व्यायाम नहीं करना चाहिए जिससे कि जो है अति व्यायाम की जो है दुष्परिणाम उसको भोगने पड़े। इसी के साथ जो है मैं अपनी चर्चा समाप्त करते हैं, सभी 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 को बहुत बहुत धन्यवाद।